तो फिलहाल इसी बीच एक और बड़ी खबर यहां पर सामने आ गई। आपको बता दें इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बड़ी जानकारी। तो आपको बता दें कि आईपीएस रामेश्वर ठाकुर एचपीपीएससी के चेयरमैन, हिमाचल सरकार की अधिसूचना जारी हो गई है, डॉक्टर रचना गुप्ता का पत्ता कटा है। 9 साल पीएम की सुरक्षा में एसपीजी में रहे हैं आईपीएस। तो आपको बता दें कि 9 साल पीएम की सुरक्षा में भी एसपीजी में रहे आईपीएस रामेश्वर ठाकुर एचपीपीएससी, हिमाचल सरकार की अधिसूचना यहां पर जारी हुई है। आपको बता दें कि डॉक्टर रचना गुप्ता का पत्ता कट गया है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि रचना गुप्ता को अध्यक्ष बनाने का ऐलान हुआ था। एचपीपीएससी सदस्य हैं डॉक्टर रचना गुप्ता। इस खबर पर अपडेट के साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास जी, जिस तरीके से हिमाचल सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है, रामेश्वर ठाकुर को आईपीएस यहां पर नियुक्त किया गया है चेयरमैन के तौर पर, निश्चित रूप से देखिए क्योंकि अटकलें जो है वो जिस तरह से लगाई जा रही थी कि डॉक्टर रचना गुप्ता जो है उनकी यहाँ पर ताजपोशी हुई थी और किस तरह से ताजपोशी के लिए जो है शपथ ग्रहण समारोह जो है वो रात के समय ही टाल दिया गया था। ऐसे में अटकलों का बाजार बहुत गर्म था कि क्या ऐसी वजह रही, क्यों आखिरकार जयराम सरकार ने पहले उन्हें जिम्मेवारी दी और उसके बाद अधिसूचना जो है उसकी फाइल राजभवन भेजी गई और उसे वापस नहीं लिया गया, क्यों आखिरकार इतना बदलाव जो है वो यहाँ पर किया गया। लेकिन अब उन तमाम अटकलों पर जो है अब विराम लगता नजर आ रहा है। अब जो नए अधिकारी की जो यहाँ पर नए अध्यक्ष की जो जिम्मेवारी है वो यहाँ पर जो आईपीएस अधिकारी है रामेश्वर सिंह ठाकुर उनको यहाँ पर दी गई है। इस बाबत बाकायदा एक अधिसूचना जो है वो जारी की गई है। आज दोपहर 2 बजे शिमला का जो राजभवन है यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह जो होगा। लेकिन अभी इसके साथ सदस्य कौन होंगे, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो सदस्यों की भी ताजपोशी यहाँ पर होनी थी उसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे थे कि कौन असल में ये लोग होंगे, किन किन लोगों की ताजपोशी यहाँ पर होनी। इनमें जो पहले नाम लिए जा रहे थे वो राकेश शर्मा थे और कर्नल राजेश कुमार शर्मा थे और इसके अलावा ओम प्रकाश शर्मा थे। ये 3 नाम जो है इनकी घोषणा जब डॉक्टर रचना गुप्ता की जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन की गई थी उस समय यहाँ पर लिए जा रहे थे। लेकिन आज फिलहाल ये जो 3 नाम है इनका भी कह पाना मुश्किल है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि एक सदस्य जो कि प्रोफेसर नैन सिंह है उनकी उनकी उनको जो है वो यहाँ पर सदस्य के तौर पर शपथ जरूर दिलाई जा सकते हैं। लेकिन रामेश्वर सिंह ठाकुर जो है अब लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष होंगे, ये बिल्कुल साफ है। 2 बजे का समय जो है वो मुकर्रर किया गया है। आज पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है वो राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आदलेकर जो है वो आज यहाँ पर उनको दिलाने वाले। चलिए ठीक है विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी आशुतोष जोशी न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, जिस तरीके से आईपीएस रामेश्वर ठाकुर एचपीपीएससी के अब नए चेयरमैन बना दिए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर रचना गुप्ता का पत्ता कट गया है, क्या कुछ वजह रही है? इस तरह से डॉक्टर रचना गुप्ता जो पहले नियुक्त की गई थी फिर बाद में उनका नाम जो है हटा दिया गया था, पूरा नाटकीय ढंग से इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया गया। पहले तो उनका नाम मुकर्रर किया गया, फिर हाई कमान के जो दबाव था उसके चलते उनका नाम जो है हटा दिया गया। ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने राज्यपाल को ईमेल के जरिए अपनी असमर्थता जताई थी। उन्होंने कहा था कि मैं निजी कारणों की वजह से इस पद को नहीं ले सकती हूँ या ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकती हूँ। इसी के चलते उन्होंने अपना आवेदन दिया और राज्यपाल ने उनका आवेदन स्वीकार भी कर लिया और अब जाके जो रामेश्वर सिंह ठाकुर है आईपीएस है उनका जो है अब नियुक्ति वहां पर दोपहर 2 बजे हो जाएगी। तो पूरा घटनाक्रम देखा जाए तो जो पहले से जयराम सरकार है वो काफी कई सारे मुद्दों पे भी यूटर्न अपना लेती रही है और उसमें ये रचना गुप्ता का भी जो मामला है ये भी जुड़ चुका है। तो चाहे विपक्ष हो चाहे कोई भी हो लगातार उस पर यूटर्न लेने पर भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह रही है कि उन्होंने पहले तो नाम दिया और उसके बाद वो नाम हटा लिया। प्रद्युमन, बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से चेयरमैन की नियुक्ति यहां पर कर दी गई है, सदस्यों के नामों की कुछ घोषणा अभी तक हो पाई है क्या, कोई जानकारी आपके पास? देखिए पहले जो पहली अधिसूचना की बात करें तो उसमें 3 जो सदस्य थे वो यहाँ पे शपथ लेने वाले थे, लेकिन उनमें से जो ओपी शर्मा है उनका नाम भी रद्द करने की ऐसी जानकारी सामने आ रही है। उनकी जगह जो रिटायर्ड प्रोफेसर है हिमाचल यूनिवर्सिटी के नयन सिंह जी उनको यहाँ पर अब नियुक्ति के तौर पर उनकी भी नियुक्ति की जाएगी। तो देखने वाली बात है कि सदस्य भी चेंज किए गए हैं, चेयरमैन भी बदले गए हैं, तो काफी कुछ इसमें घटता हुआ दिख रहा है। चलिए ठीक है आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें आगे